वेलकम टू आरएक्स फार्मा चैट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अचानक बीपी लो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का अचानक सिर में दर्द होने लग जाता है, फेंटिंग उनमें आ जाती है, एकदम से बेहोशी सी छा जाती है। तो ये किन कारणों से होता है? ये बीपी लो हमारी बॉडी का जब हो जाता है तो ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के सिम्टम्स पर्सन की बॉडी में होते हैं जब बीपी लो हो जाता है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बीपी है, बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो 120/80 mmHg होता है। और जब बीपी हमारा लो हो जाता है तो उसकी रीडिंग होती है 90/60 mmHg। 120/80 mmHg से जब अपर रीडिंग चली जाती है तो उस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जब बीपी लो होता है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन का नाम दिया गया है। हाइपरटेंशन के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। अगर हाइपरटेंशन के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। जब बीपी लो होता है किसी भी पर्सन की बॉडी का तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा बीपी लो हमारी बॉडी का हो जाता है तो इस कंडीशन में हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं और कोमा और डेथ जैसी कंडीशंस वहां पे हो सकती हैं। लो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑर्गन फेलियर्स के साथ साथ हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है और सडन डेथ वहां पे कंडीशंस आ सकती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% पीपल्स ऐसे हैं जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन उनमें से 70% लोग ऐसे भी हैं जिनको लक्षणों को देख के भी नहीं पता है कि ये बीपी लो के कंडीशंस हो सकती हैं, और वो अपनी कंडीशंस को देख के, अपने सिम्टम्स को देख के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को गिनाने लग जाते हैं कि शायद इस वजह से मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेन रीजन जो होता है बीपी लो होने का वो उनको पता नहीं चलता है कि ये शायद बीपी लो की वजह से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। बीपी लो का हमारी हेल्थ पे नहीं बल्कि हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आपको अपना बीपी लो होने से बहुत बचाना चाहिए। और अगर आपको फील होता है कि लक्षण आपकी बॉडी में दिख रहे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं बीपी लो के, तो आप एकदम से कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ होम रेमेडीज इसके लिए ट्राई कीजिए। जो होम रेमेडीज है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी और जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी। तो इसके लिए आपको कुछ होम रेमेडीज अप्लाई करनी चाहिए। फिर भी अगर आपका बीपी लो सेम कंडीशन चल रही है, सेम आपको लक्षण वो फील हो रहा है, तो इमीडिएट आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी कंडीशन को देख के आपको मेडिसिन रिकमेंड कर सकें। तो अब मैं कुछ रीडिंग्स आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स किस तरीके से चलती है। जो अपर रीडिंग हमारी होती है जैसे 120 नॉर्मल रीडिंग होती है तो उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जब ब्लड फ्लो हमारा ऊपर होता है, जब ब्लड एकदम से हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग करता है ब्लड को। और डायस्टोलिक क्या होता है, जब एकदम से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो नीचे आता है। तो इस तरीके से 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक mmHg। तो क्या है, जब 90/60 रीडिंग आती है तो इस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहा जाता है, लेकिन जब 90 से भी बिलो आ जाता है, 80/60 mmHg आता है, तो इस नोजिया की फीलिंग होना, मितली की फीलिंग होना और वहां पे डिजीनेस, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट हमें फील होने लग जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जब 80/50 हमारा ब्लड प्रेशर चल रहा है, ब्लड प्रेशर की रीडिंग आ रही है, तो फेंटिंग, एकदम से बंदा अपनी बॉडी में टाइटनेस फील करता है, थकावट फील करता है और एकदम से वो फेंट हो जाता है, मतलब कि वो इस तरीके से हो जाता है कि वो गिरने ही वाला है, उसको दूसरे पर्सन को पकड़ने की वहां पे जरूरत होती है, वो खुद अपने पैरों से, इतनी हिम्मत उनमें नहीं रहती है कि खुद अपने पैरों से वो यहां से लेके वहां तक चल सके। 70/50 उससे भी बिलो जब हमारी ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है तो बहुत ज्यादा वीकनेस हमारी बॉडी में हो जाती है, चलने फिरने के लायक तो बिल्कुल नहीं रहते हैं और ब्लर्ड विजन, हमारी आंखों से धुंधला दिखना हमें शुरू हो जाता है।
उससे नीचे 60/45 mm ऑफ HG स्लीपिनेस, पर्सन को ऐसे फील होता कि एकदम से मैं सो जाऊं, जहां भी हूं उसी जगह पे मैं लेट जाऊं, लेकिन उस कंडीशन में लाइट हेडेक होती है, हमारे सिर में हल्का हल्का दर्द रहता है, इसलिए नींद भी नहीं आती है, लेकिन स्लीपिनेस की वहां पे फीलिंग होती है और कंफ्यूजन, पर्सन को ये नहीं पता चलता है कि मैं कहां खड़ा हूं, क्या करना है मुझे, किस चीज के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, तो मतलब हमारे ब्रेन में एक कंफ्यूजन सी चलने लग जाती है। और 50/35 जो बहुत ज्यादा लो हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उस कंडीशन में कोमा और डेथ जैसी कंडीशंस हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे लक्षण दिखने को मिलते हैं जब ब्लड प्रेशर लो हमारी बॉडी का हो जाता है, तो वो लक्षण क्या क्या है चलो देखते हैं। सबसे पहले है डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, एंड वर्टिगो, थकावट होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से पर्सन को फील होता है कि एकदम से जो भी पास में चीज हो उसको पकड़ ले, मतलब बहुत ज्यादा चक्कर आना इस कंडीशन में शुरू हो जाते हैं। वॉमिटिंग एंड नोजिया, आपको इस तरीके से फीलिंग होती है जैसे आपको उल्टी आ रही है, या फिर मितली आना हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है, जिस तरीके से जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो कईयों को ऐसे हम बोलते हैं कि इसको गाड़ी लगती है या बस लगती है, तो उस कंडीशन में जब उनको उल्टी आना या मितली आना, सिर घूमना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन बीपी लो में होने लग जाती है। कॉन्शियसनेस, पर्सन बेहोश सा एकदम से हो जाता है, उनको होश नहीं रहती है कि वो किस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे मुझे बैठना चाहिए या वहां पे मुझे नहीं बैठना चाहिए, तो एकदम से बेहोशी सी पर्सन में आ जाती है। एंड फेंटिंग, तो वो गिरता ही जाता है, उसकी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, बिल्कुल वो गिरता ही जाता है, बिल्कुल भी अपने आप को वो संभाल नहीं पाता है। एंड फटीग, बहुत ज्यादा यहाँ पे थकावट उनको फील होने लग जाती है, हैवीनेस एक उनकी बॉडी में फील होने लग जाता है, एंड उनके जो सिर का तलवा होता है यहाँ पे सेंटर वाला हेड होता है, तो उनको इस हेड के यहाँ पे बहुत गर्म गर्म सा फील होने लग जाता है, उनको इस ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जैसे नवरत्न तेल है फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो उनको ठंडक से फील होती है, तो इस तरीके से उनको फील होता है कोई बर्फ की यहाँ पे सिल्ली रख ले, बर्फ की जो क्यूब रख ले, या कोई ठंडा सा तेल यहाँ पे लगा दे, तो बहुत ज्यादा हॉट हॉट फीलिंग यहाँ पे सिर के सेंटर में से जहाँ हमारा तलवा होता है सिर का, ऐसे फील होने लग जाता है। एंड हमारी आंखों के आगे बहुत ज्यादा डार्कनेस हमें फील होती है, बहुत अंधेरा सा छा जाता है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पर्सन बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक भी चीज के लिए, अगर आप वहां पे पढ़ना चाहते हैं या किसी चीज को करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी वहां पे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी, बिल्कुल आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एंड हॉट आइस, आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो बहुत हॉट ही हॉट फीलिंग्स आपको यहाँ पे हो रही है, बहुत हॉट अपनी आइज आपको फील हो रही है, आपके स्किन का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, लाइट येलो कलर आपकी स्किन का हो जाएगा, या बहुत व्हाइटिश सा आपके स्किन का कलर दिखने लग जाएगा, और ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखाई देने लग जाएगा, कंसंट्रेशन लॉस हो जाएगी, और कोल्ड आपके जो हाथ पैर हैं बिल्कुल कोल्ड से हो जाएंगे, बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, इसमें आपको फील होता है कि आपके हाथों को या पैरों को कोई तेल लगा के कोई ऑयल की मसाज करके गर्म करे, तो इतने ज्यादा ठंडे हाथ पैर आपको फील होने लग जाते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लग जाती है, छोटी छोटी सांसें आपको आने लग जाती है, इस तरीके से फील होता है कि जैसे आपकी सांस टूट रही है। कंफ्यूजन रहना शुरू हो जाती है, लाइट हेडेक आपको होना शुरू हो जाती है, हल्की हल्की सिरदर्द यहाँ पे रहती है, इसी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपको कंफ्यूजन रहती है, और बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होने शुरू हो जाती है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा लक्षण हमारी बॉडी में दिखने लग जाते हैं जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया तो बीपी लो की कंडीशन है ये हमारी हेल्थ के लिए ही नहीं, हमारी जो लाइफ है उसके लिए डेंजर क्रिएट कर सकती है, उसके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए बीपी लो की कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इसके किस तरीके के लक्षण हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, अचानक बीपी लो क्यों हो जाता है, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, क्या इसके रीजंस हो सकते हैं कि हेल्दी बॉडी में भी, हेल्दी पर्सन में भी बीपी लो कभी कभी देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या रीजंस, क्या क्या कॉजेज इसके हो सकते हैं। सबसे पहले है एनीमिया, एनीमिया मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी, जब किसी भी इंजरी के कारण या किसी भी चोट के कारण हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की वजह से पर्सन की बॉडी में, लेडीज की बॉडी में या जेंट्स की बॉडी में चोट लगने की वजह से, कोई सडन एक्सीडेंट की वजह से खून की कमी जब हमारी बॉडी में चल रही है, तो उस कंडीशन में बीपी लो होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब ब्लड प्रेशर लो होता है हमारी बॉडी का, तो हमारे ब्रेन तक इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन
बॉडी से सिग्नल्स लेने में और बॉडी को सिग्नल देने में असमर्थ हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है। तो उस कंडीशन में पर्सन को लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंफ्यूजन या लाइट हेडस या डिजीनेस, ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो मेन कॉज यहां में मैंने आपको बताया, जब हमारी बॉडी में खून की कमी चल रही है, हीमोग्लोबिन की कमी चल रही है, तो उस कंडीशन में बीपी लो होना बिल्कुल नॉर्मल है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हर पर्सन में अलग अलग सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं और हर पर्सन में अलग अलग रीजंस की वजह से बीपी लो हो सकता है। कैसे? लो वाटर इन द बॉडी। अगर जब पानी की कमी चल रही है तो खून की कमी भी हमारी बॉडी में हो जाती है और ब्लड फ्लो प्रॉपर मात्रा में वहां पे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है और बीपी ब्लड प्रेशर लो की कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है। कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, हार्ट की ले रहे हैं या कोई ब्रेन की ले रहे हैं या कोई डायबिटीज की ले रहे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट के तौर पर भी आपको बीपी लो यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो साइड इफेक्ट होते हैं इनके बारे में आप को डॉक्टर ऑलरेडी बताते हैं कि इस तरीके से ये मेडिसिन लेने के आपको थोड़ा सा हेडेक होगा या आपको चक्कर आएंगे या सिडेशन हो जाएगा। तो बीपी लो के लक्षण आपको ऑलरेडी उस ड्रग थेरेपी के साथ बता दिए जाते हैं जो ऑलरेडी आपको चल रही होती है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक भूखे रह रहे हैं, फास्टिंग पे रह रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप फास्ट कर रहे हैं, 3 बजे तक आप यहाँ पे लंच करें, तो जितना ज्यादा आप भूखे रहना शुरू कर देते हैं आपकी बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, तो बीपी लो की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, ब्लड प्रेशर हमारा डाउन जा सकता है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, तब भी आपका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो उस कंडीशन में भी बीपी लो की प्रॉब्लम रह सकती है। सीरियस इंजरी, अगर सीरियस इंजरी आपकी बॉडी में हो गई है, कोई चोट लग गई है, उसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हो गया, तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी का लो हो सकता है। बहुत ज्यादा ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, ड्रग्स लेने के शौकीन है, तो उस कंडीशन में भी बीपी लो होना बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, अगर आपको खाना टाइम से ना खाने की आदत है, अगर आप सुबह का 11 बजे खाना ले रहे हैं, दोपहर का आप 4 बजे खाना ले रहे हैं या शाम को आप 12 से 1 बजे तक खाना ले रहे हैं, तो ये बैड हैबिट्स आपके ब्लड प्रेशर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपको सही तरीके से अपनी ईटिंग की जो गुड हैबिट्स है वो अपनानी चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे। जेनेटिकली भी आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो लो रह सकता है। अगर आपके जो बुजुर्ग हैं उनको भी बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, तो जेनेटिकली ये अपने बच्चों में, उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स चेंज होते रहते हैं, हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते रहते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक कंडीशन आपकी हो सकती है जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो लो होता रहता है। वीकनेस, अगर आप अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टायर्डनेस रह रही है, बहुत ज्यादा वीक हैं आप, तब भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको रह रही है। माइग्रेन की कंडीशन भी एक ऐसी कंडीशन है कि अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी बीपी लो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको देखने की मिलती है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत जल्दी जल्दी लो हो जाता है। पे मैंने फिगर से भी आपको कुछ समझाया, जैसे आईज में यहाँ पे ब्लड विजन होने लग जाता है अगर बीपी लो हमारी बॉडी में चल रहा है, हमारी हेडेक और डिजीनेस, फेंटिंग हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है। तो इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि हमारी कौन से वाइटल ऑर्गन में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बीपी लो की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में चल रही है। तो बीपी लो की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, इतनी ज्यादा डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, कि अचानक पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लड प्रेशर लो की, जिसमें मैंने आपको रीजन बताया है कि किस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है, और कुछ लक्षण बताए हैं कि पर्सन में किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इसका बीपी लो हो रहा है या इसकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ कॉजेस बताऊंगी कि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से हमारा बीपी लो अचानक हो जाता है, और कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी, कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगी कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन या कौन सी रेमेडीज हमें यूज करनी चाहिए कि अचानक एकदम से अगर हमारा बीपी लो हो जाए तो उसको कैसे हम नॉर्मल बीपी में चेंज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो नॉर्मल आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।